हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया। आप सभी को पता है, काफ़ी सारी मैंने वीडियो बना दी हैं, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा मैंने पूरा जो आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। दो तीन वीडियो मैं बना चुका हूं। तो काफ़ी सारे ऐसे युवा साथी हैं जो इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं है, उत्साहित नहीं है। बट क्यों, ऐसा क्यों? क्या बड़ी भर्ती नहीं है? क्या ये आप जो है इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं? क्या आपके लिए खास नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और भी इसकी डिटेल जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में नहीं बताई है। टोटल कितनी पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, वर्क प्रोफाइल इसका क्या है, और इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो कंप्लीट इस पर चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, साथ में आरएससीआईटी कोर्स होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने आरएससीआईटी कोर्स कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, जो फॉर्म 22 अगस्त से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, या अभी जो फ्रेशर है, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जिनका अभी रिजल्ट आया फाइनल ईयर का और उन्होंने आरएससीआईटी कर रखा है या कोई भी कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, तो आप लोग भी इस भर्ती के लिए जो है फॉर्म लगा सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई एलडीसी को लेकर राजस्थान प्रदेश में, आप सभी को बताया, सीईटी को लेकर काफ़ी चर्चा है, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन जितनी जिज्ञासा आपको जो है सीईटी को लेकर है, जितनी जिज्ञासा, जितनी उत्साहित आप जो हैं यहां पर एलडीसी कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर हैं, उतने उत्साहित इसको लेकर नहीं है। क्योंकि आपको लग रहा है ये भर्ती वापस से रीओपन हुई है। कुछ बच्चों को तो यही पता है कि भाई ये भर्ती उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पहले से फॉर्म लगा रखा है। ऐसा नहीं है भाई, ये नई भर्ती है, नए सिरे से भर्ती स्टार्ट हुई है। पुरानी भर्ती को भूल जाओ, वो रद्द हो चुकी है, तभी तो नई भर्ती आई है, नया नोटिफिकेशन आया है और साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022। तो 2022 इसको नाम दिया गया है, नई भर्ती है, नई साल की भर्ती है और इस साल की सबसे बड़ी भर्ती मान लीजिए, क्योंकि 2022 में एलटीसी या ग्रेजुएशन लेवल पर यही भर्ती होने वाली है, आप सभी को पता है, और इसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसी की जल्दी एग्जाम होगी, क्योंकि इसके फॉर्म डेट भी अनाउंस कर दी है। अभी तक सीईटी के फॉर्म भी नहीं आए हैं, उसको लेकर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, नहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की 14,000 पदों पर जो एलटीसी आने वाली है उसको लेकर कुछ ऑफिशियल नोटिस आए। तो आपके पास में एक ऐसी वैकेंसी है जिसका शेड्यूल आपके पास में है, सारी डिटेल आपके पास में है और सबसे आसान एग्जाम पैटर्न है। तो हम क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों इसकी तैयारी क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो राजस्थान जीके आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, इसके अलावा जो है हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, तो तीन सब्जेक्ट तो कम से कम आपकी मजबूत हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं भी होता है, पहली बात तो होगा, 100% होगा अगर आप मेहनत करेंगे, बट बाई चांस अगर नहीं भी हुआ तो तैयारी खराब नहीं जाएगी, वो तैयारी आपकी सीईटी और जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्ती होने वाली है 14,000 पदों पर, उसमें भी काम आएगी, क्योंकि उसमें भी एक हिंदी इंग्लिश को, मतलब एक तो हिंदी इंग्लिश आएगी, इसके अलावा राजस्थान जी की आएगी, सिर्फ साइंस और मैथ है जो उसमें इंक्लूड होगी, इसके अंदर नहीं है। तो सबसे आसान एग्जाम पैटर्न है, एक ही पेपर है, एक पेपर के बाद में टाइपिंग होगी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी क्वेश्चन करेंगे, सर तैयारी कहाँ से करें? आपने मोटिवेट तो कर दिया, लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए तैयारी कहाँ से करें? तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। फिर भी अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, तो आप लोग अनअकैडमी ऐप से कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जाकर आप जो है गोल सेलेक्ट करें आरपीएससी, वहाँ पर आपको डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का और प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा हाईकोर्ट एलडीसी का, उसको आप परचेज कर दें। अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आप यहां पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको जो है 3 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपी जीडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका शेड्यूल जारी हो चुका है, आप सभी को बताया इनकी जो एग्जाम्स है वो होने वाली है। अगर सीजीएल की बात करें, दिसंबर में एग्जाम है, अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो है वैकेंसी आउट होने वाली है। तो आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। एसएससी में भी सेम ही ऑफर चल रहा है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 3 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन डन करें, मेरा रेफरल कोड यूज करें कैपिटल GEN UYNE10, जिससे कि आपको 10% ऑफ
जाए, तो 10% ऑफ होगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर जो है मंथ मिल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाएं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके अलावा कल से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी कैटेगरी में, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। आपको ई नोट्स, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो कंप्लीट आप जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टोटल कितनी पोस्ट है, 2756 पद हैं। पहले इसमें बहुत कम पद थे, अभी इसमें पद बढ़ा दिए हैं, तो अभी जो टोटल पोस्ट हो गई हैं 2756 हो गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें, तो जूनियर जुडिशियली असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है और क्लर्क ग्रेड सेकंड है, तीन पोस्ट है यहां पर, ठीक है ना। सैलरी की अगर हम बात करें, पे मैट्रिक्स लेवल L5 की आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको 2 साल के बाद में 20,800 से लेकर 65,900 तक आपकी सैलरी रहेगी। 2 साल प्रोविजन पीरियड तक आपको जो सैलरी मिलेगी वो 14,600 मिलेगी, जिसमें कटपिट के आपको 13,500 के आसपास फिक्स वेतन मिलेगा 2 साल तक, और LDC में ये रहता है, आप सभी को पता है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर सैलरी है, बहुत ही शानदार जॉब है, आसान एग्जाम पैटर्न है, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने फाइनल ईयर का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, RSCIT कोर्स कर रखा है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी एग्जाम दिसंबर के आसपास ही रहेगी, ज़्यादा लेट नहीं होगी, क्योंकि आपको कम्पीट करना है ऐसे विद्यार्थियों से जो पहले से इसकी तैयारी कर रखें। आपको उन विद्यार्थियों से मुकाबला करना है जो पहले से इसकी तैयारी कर रखे हैं, या जो रीट वाले हैं, जिन्होंने राजस्थान GK पढ़ रखा है, जिन्होंने हिंदी पढ़ रखा है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जो 5 साल से 4 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी, जिज्ञासा दिखानी होगी, बड़ी भर्ती है। आप ये मत देखिए पोस्ट कितनी है, आप ये देखिए आपको एक पोस्ट लेनी है, राजस्थान की भर्ती है, राजस्थान में जॉब लगेगी, हाई कोर्ट की भर्ती है, रेपुटेड पोस्ट पर आपकी जो है जॉब लगने वाली है। तो सब्सक्रिप्शन लिंक, बैच लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कोड जरूर लगाएं, कैपिटल GENUINE10, जिससे आपको 10% ऑफ हो जाए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।